हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल फिटिंग वाली शर्ट कमीज की कटिंग कैसे करें। ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा, शायद ही आपने शर्ट कटिंग के दौरान इस तरह की जानकारी किसी ने आपके साथ शेयर की हो, क्योंकि सब अपनी वीडियो जल्दी बनाते हैं और जल्दी बनाने में इस तरह की बातें कोई नहीं क्लियर कर पाता। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। सिलाई का काम अधिकतर ऐसा होता है जो कि ध्यान से देखने में ही समझ में आता है। अगर आप भी सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, लेडीज या जेंट्स, नया या पुराना, तो हमारे इस चैनल को वीडियो के नीचे इस लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये है हमारी पैमास जिस शर्ट की हमने कटिंग करनी है। 29 इंच लंबाई, तीरा 20 इंच है, बाजू है 24 इंच, छाती है 40 इंच और कॉलर 15.5 इंच। इसी पैमास के हिसाब से हम अपनी इस शर्ट की कटिंग करेंगे। ये है हमारा कपड़ा, इसी कपड़े से हमने शर्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले कपड़े को पूरा खोल ले और चेक कर ले इस कपड़े से हमारी शर्ट कंप्लीट बन रही है या नहीं, या फिर कोई झिरकी वगैरह, कोई कट वगैरह कपड़े में ना हो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो कपड़े को अच्छे से चेक करें और कपड़े को ये भी चेक कर ले उल्टा सीधा किस तरफ है, और कपड़े की उल्टी तरफ निशान लगा दे, मार्किंग कर दे, ताकि हमें पता रहे इस साइड से हमारी शर्ट हमें बनानी है। मार्किंग हमेशा उल्टी साइड में होती है, सीधी साइड में अंदर ले, सीधी साइड को अंदर लेना पड़ता है, तो उल्टी साइड में मार्किंग कर दे। ये जो कपड़ा है ये उल्टा सीधा नहीं है, मैंने वैसे मार्किंग की है। सबसे पहले अपने कपड़े को पूरा खोल ले और लंबाई की तरफ दोनों कन्नी को मिलाएं और अच्छे से अपनी टेबल पे बिछा ले। कन्नी को अपनी तरफ करके अपनी टेबल पे बिछा ले, अच्छे से मिला के, बिल्कुल अच्छे से मिला के, साफ सुथरी तरह से अच्छे से मिला के टेबल पे बिछाए। कटिंग के दौरान जो हमारे कपड़े का सीधे वाला हिस्सा होता है उसे अंदर रखना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह से अच्छे से बिछा ले, कन्नी को अपनी तरफ करके अच्छे से बिछा ले। आप देख पा रहे हैं हमारी कन्नी में काफी ज्यादा सलवट है, ये देख ले, काफी ज्यादा सलवट है, इसीलिए हमें मार्किंग से पहले इस कन्नी को अलग करना होगा, अन्यथा हमारी शर्ट ठीक से नहीं बन पाएगी। नहीं तो हमारी शर्ट की कटिंग ठीक से नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा खींची हुई है। तो हम शर्ट की कन्नी को अलग कर लेते हैं। पहले एक बार शर्ट की लंबाई ले ले, जो भी आपकी शर्ट की लंबाई है उसे ले ले, क्योंकि हम शर्ट की लंबाई जितनी ही कन्नी को अलग करेंगे। शर्ट की लंबाई का निशान लें, हमारी लंबाई थी 29 इंच, तो 29 इंच में निशान लगा लें। आधा इंच लंबाई हमारी शोल्डर के ऊपर जो तीरा होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, तो आधा इंच लंबाई वो भी बढ़ जाती है, तो 1 इंच बढ़ा के, लंबाई से 1 इंच बढ़ा के निशान लगा ले। लंबाई हमारी कम ना रहे इसलिए आधा इंच लंबाई ज्यादा ही ले ले, कम रह गई तो हमें बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्नी को अच्छे से मिला के ये सुकेर के साथ लेंथ वाला निशान सीधा लगा ले, बिल्कुल सीधा निशान लगाए, और अब इस कन्नी को अलग कर ले कैंची के साथ। सिर्फ कन्नी को, दोनों कन्नी अच्छे से मिला के सिर्फ कन्नी को अलग करें। सिलाई का काम, स्टिचिंग या कटिंग, काफी काम ऐसा होता है जो आपको देखने से ज्यादा समझ में आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वीडियो के नीचे ही कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। ये देखिए हमने अपनी कन्नी अलग कर दी है, आप देख सकते हैं हमारी कन्नी लगभग शर्ट के कपड़े से 1/4 इंच छोटी है, ये 1/4 इंच सुकड़ी हुई थी कन्नी। अब कर लेते हैं अपनी शर्ट की मार्किंग, निशान वगैरह लगा लेते हैं। 2 इंच कपड़ा अपनी तरफ पट्टी के लिए छोड़ ले, काज पट्टी और बटन टेक पट्टी, दोनों पट्टियों के लिए 2 इंच कपड़ा छोड़ना है हमें। कपड़ा अपनी तरफ से अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए दोनों सिरे, 2-2 इंच पे निशान लगाए और सुकेर के साथ निशान को सीधा लगा दे। इसके बाद अपने तीरे का निशान, हमारा तीरा था 20 इंच, 20 इंच का आधा हुआ 10 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए, तो 10.5 पे निशान लगा दे।
जहां से हमने अपनी शर्ट की लंबाई ली थी वहां से 1.25 इंच नीचे निशान लगा दे। ये जो 1.25 इंच नीचे निशान लगाया है, ये निशान किस लिए लगाते हैं? ये हमारा शोल्डर का होता है। आपने देखा होगा कई आदमी इस तरह के होते हैं जिसके कंधे शोल्डर ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, ज़्यादा नीचे की तरफ झुके हुए लटके हुए होते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं जिसके शोल्डर सीधे खड़े हुए होते हैं, शोल्डर थोड़ा खड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। जिस आदमी के ज़्यादा कंधे गिरे हुए हैं, शोल्डर झुके हुए हैं, उसके लिए हम 2 इंच 2.25 इंच भी गिरा सकते हैं, ये निशान लगा सकते हैं। और जिस आदमी के नॉर्मल कंधे हैं उसका 1.5 इंच 1.75 इंच 2 इंच तक निशान लगा लेते हैं। तो मैं ये निशान 2 इंच पे लगा रहा हूँ। आप ये ध्यान रखें, किसी आदमी के कंधे ज़्यादा गिरे हुए हैं तो 2.25 इंच निशान लगाएं। अगर सिंपल है तो 1.5 2 इंच भी चल जाता है। फर्क ये होता थोड़ा सफाई का और फिनिशिंग का बस, नहीं तो तीरे में यहाँ पे जो सिलाई आएगी कंधे पे उसमें थोड़ी सलवटें होंगी, सलवटें दिखाई देंगी, ये फर्क होता है। तो आप 1.25 इंच या 2 पे ही निशान लगाए, ज़्यादा झुका दिया तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा ऊपर रख दिया तो भी प्रॉब्लम। इसके बाद हम अपना आर्म होल का निशान ले लेते हैं। आर्म होल हमारा चेस्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 10, आर्म होल का निशान 10 इंच पे लगा ले। आर्म होल का निशान जहाँ से हमारी शर्ट की लंबाई शुरू होती है वहीं से लेके पूरा 10 इंच लगा ले। तीरे वाले शोल्डर जहाँ पे गिराया है वहाँ से निशान ना लगाए, ऊपर से निशान लगाए 10 इंच पे। अगर कोई कस्टमर फिटिंग के हिसाब से आर्म होल को कम कराता है तो उसे 0.25 इंच ही कम करें। अगर कोई बोलता है मेरा आर्म होल खुला कर दो तो उसे भी 0.5 इंच ही बढ़ाए, ज़्यादा ना बढ़ाए। नॉर्मल तरीका होता है चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो मैंने ये निशान 10 इंच में लगा लिया है। या दूसरी साइड में भी 10 इंच पे निशान लगाए, फट्टी के साथ सीधा निशान लगा दे। हर किसी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सिंपल और स्टिक तरीका है। जितना हमारा तीरे का निशान है उतना ही यहाँ नीचे लगा दे और दोनों निशान को पट्टी के साथ सीधा कर दे। इसके बाद अपनी चेस्ट वाला निशान, जैसे कि हमारी पैमास में चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा 10, 2 इंच लूजिंग 12 और 0.5 इंच सिलाई के लिए तो 12.5। पट्टी का निशान छोड़ के मार्किंग करनी है, 12.5 इंच पे निशान लगाएं। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि फिटिंग हो, अच्छे से फिटिंग हो, तो 1 इंच लूजिंग कम कर दे। अगर कोई चाहता है कि ज़्यादा खुली शर्ट हो तो 0.5 इंच बढ़ा दे। लेकिन जो नॉर्मल तरीका होता है चेस्ट का चौथा हिस्सा पैमास करें और उसमें 2 या 1.25 इंच लूजिंग दे दे। क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ज़्यादातर सिलाई का काम कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होता है। मैंने ये निशान 12.5 पे लगा लिया है। नीचे वाली साइड भी 12.5 पे निशान लगा दे। हमारी कमीज की मार्किंग सभी काज बटन वाली पट्टी का निशान से आगे होती है, तो इस निशान से आगे ही निशान लगाए, आगे ही पैमास करें। तीरे की भी फिटिंग की भी हर कोई पैमास पट्टी को छोड़ के होती है। अब अपने चेस्ट वाले निशान को और नीचे चेस्ट वाले निशान को सीधा मिला लेते हैं। अगर किसी कस्टमर का पेट छाती से ज़्यादा है, बाहर निकला हुआ है, तो ये दोनों निशानों को सुकेर के साथ लगाएं। अगर बंदे का पेट नहीं है, पेट छाती से अंदर है, तो ये निशान अपनी सेफ वाली फट्टी के साथ लगा दे। अगर कोई बंदा फिटिंग चाहता है, आप फिटिंग वाली शर्ट बना रहे हैं, तो और 0.5 इंच अंदर कर दे, नहीं तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कर दे। इसके बाद यहाँ नीचे हमारी चेस्ट वाला निशान था 12.5, तो 6.25 इंच पे निशान लगा ले, सेंटर में निशान लगा दे दोनों के। यहाँ से हमारी गोलाई शुरू होगी। और हमारा नीचे वाला लेंथ वाला निशान था इससे ऊपर 2.5 पौने 3 इंच, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग जितना भी वो कट चाहता है। नॉर्मल तरीका होता है 2.5 पौने 3 इंच पे निशान लगा दे और इस निशान से लेके यहाँ तक गोलाई कर दे, तरह से गोलाई में निशान लगा दे। इसके बाद अपनी आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। आर्म होल की गोलाई के दौरान लगभग यहाँ से 0.5 पौना इंच ही गहराई करे। अगर कस्टमर ज्यादा फिटिंग चाहता है तो 1 इंच कर ले, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी। अगर कस्टमर की ज्यादा चेस्ट छाती बाहर निकली हुई है तो 0.5 इंच ही ले। अगर सिंपल है तो 0.25 इंच गहराई कर सकते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि हमारी शर्ट बिल्कुल खींची हुई हो, 0.25 इंच तक कर ले, गोलाई में निशान लगा दे।
इससे क्या होगा, इस गहराई से हमारी शर्ट के जो चेस्ट के ऊपर सलवटें हो जाती है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी, कोई सलवट वगैरह नहीं होगी, वो बिल्कुल अच्छी फिटिंग आएगी। इसके बाद लगा लेते हैं हम अपना कॉलर वाला निशान, अपना गले वाला निशान जो हल्ला बोलते हैं, जहां से हमने लेंथ ली है वहां से 3 इंच नीचे लंबाई की तरफ और साइड में 2.5 इंच, ये सब निशान पट्टी छोड़ के 2 इंच की पट्टी छोड़ के लगाते हैं। इस तरह से निशान लगा के सीधा निशान लगाएं दोनों तरफ। ये मेरी शर्ट का कॉलर 15.5 इंच है और गोलाई में निशान लगा दे। अगर आपकी शर्ट का कॉलर 13-14 इंच है तो लंबाई की तरफ 2.25 इंच ले, 2.5 इंच और जहां पर हमारी चौड़ाई है उस तरफ 2-2.25 इंच ही ले, क्योंकि जिस टाइम हम कॉलर को अटैच करेंगे शर्ट के साथ उस टाइम इसकी छटाई होगी, कटिंग तो फाइनल होगी लेकिन ये बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉलर अटैच करते समय भी ये 0.5 इंच छोटा होना चाहिए, तभी अच्छे से कॉलर अटैच होता है। बाकी मैं आपको सिलाई के दौरान अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद हमारा तीरे वाला तिरछा निशान, जो शोल्डर गिराने के लिए निशान लगा था वहां से लेके कॉलर के 0.5 इंच आगे तक इस तरह से निशान लगा दे, यहाँ से लेके यहाँ तक तिरछा निशान अपने सुकेर के साथ मिला दे। आप देख सकते हैं हमारी कंप्लीट मार्किंग हो गई है, हमने अपने निशान लगा लिए हैं। कटिंग से पहले एक बार आपने जो निशान लगाए हैं सभी को अच्छे से चेक कर ले, अपनी पैमास के अकॉर्डिंग चेक कर ले, नाप ले। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख के ही कटिंग करें। मैं अपनी कटिंग कर देता हूँ और कटिंग करते समय ये ध्यान रखे और वीडियो को ध्यान से देखे कहाँ से कहाँ तक कटिंग होती है, ये ना हो कि मार्क आगे गया हुआ है उसी पर कटिंग कर दे, जो ये निशान आगे निकले हुए हैं इन पे कटिंग कर दे। तो कटिंग करते समय बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि सिलाई का काम ज़्यादातर ऐसा होता है जो कि आपको देखने से समझ में आता है, तो वीडियो को ध्यान से देख के ही कटिंग करें। आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग हो गई है, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। एक या पट्टी के नीचे निशान लगा दे कैची के साथ। अब हम अपना बैक वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, कमीज का बैक वाला हिस्सा। कपड़े को डबल फोल्ड कर ले, वन साइड डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड कैसे करें, जो हमारी चेस्ट का निशान था 12.5 इंच, तो कन्नी छोड़ के 12.5 इंच कपड़ा ही फोल्ड करें, ज़्यादा कपड़ा खराब ना करें। ये देखिए इस तरह से कन्नी छोड़ के 12.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर ले, अच्छे से साफ कर ले, अच्छे से चेक कर ले। इसके बाद अपने फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर सेट कर ले, जो हमारी पट्टी वाला निशान है और जो कॉलर वाला निशान आप देख रहे हैं, इससे 2 पॉइंट कम रखें, 2 पॉइंट कम रखें इस कपड़े को। इस तरह से 2 पॉइंट यहाँ से कम रखने के बाद अच्छे से साफ कर ले, कोई नीचे कपड़ा वगैरह ना हो। अच्छे से सेट करने के बाद अब हमारा तीरे की चौड़ाई, कितना तीरा हमारा लगेगा, तीरे की चौड़ाई हमारी क्या होगी, वो यहीं से सेट होता है। अगर हम जो हमने ये शोल्डर वाला हिस्सा डाउन किया है इससे हम 0.5 इंच ऊपर रखते हैं इसी तरह से यहाँ पर, तो हमारे तीरे की नॉर्मल चौड़ाई 3 इंच होगी। अगर हम इससे जितना भी डाउन करेंगे, इस एरिए से जितना भी डाउन करेंगे हमारे तीरे की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। अगर हम यहाँ से 1 इंच डाउन कर देते हैं तो हमारे तीरे की चौड़ाई 4 इंच हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा तीरे का, कितना चौड़ा तीरा लगाना है, इस तरह से हम तीरे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा तीरा 3 इंच का होता है, इससे कम हम तीरा नहीं लगा सकते। मैं इस शर्ट पर तीरा 4 इंच का लगाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ से ये 1 इंच कम कर लिया है। और अपने तीरे का निशान, जो हमारा तीरे का निशान था वही निशान लगाए 10.5 पे, ये 10.5 ही होगा। 2 पॉइंट कम इसलिए है क्योंकि हमने 2 पॉइंट कपड़ा कम लिया है, इसीलिए 2 पॉइंट आगे जा रहा है। गोलाई में निशान लगा दे और बिल्कुल इसके साथ साथ में कटिंग कर दे। सिलाई का काम, स्टिचिंग या कटिंग, काफी काम ऐसा होता है जो आपको देखने से ज्यादा समझ में आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हमारे बैक वाले हिस्से की भी कटिंग हो गई है, ये जो हमारा तीरा अटैच होना है यहाँ से कपड़े को सीधा कर दे, धागे वगैरह की कटिंग कर दे और एक सेंटर में निशान लगा दे। अब निकाल लेते हैं हम अपनी शर्ट की बाजू, बाजू हमें एक एक करके निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये कन्नी खींची हुई है, अच्छे से सेट नहीं होगी। इस तरह से कन्नी छोड़ के ही निशान लगाना है।
या फिर आप कन्नी को पहले कटिंग कर दे, खींची हुई कन्नी है तो इस चीज का ध्यान रखें। सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ के हमारी बाजू की लंबाई है 24 इंच, हम इसके साथ कफ अटैच करेंगे 2.5 इंच के, तो हम 2.5 इंच कम कर लेते हैं, 2 इंच घटा दिया तो हमारी बची लंबाई 21.5, आधा इंच सिलाई के लिए तो हम 22 इंच पे निशान लगा लेते हैं। पहले तो कफ की चौड़ाई है जो उसे माइनस कर दे बाजू की लेंथ से, उसके बाद उसमें आधा इंच बढ़ा ले सिलाई के लिए और निशान लगा ले। अब देख सकते हैं 24 में से ढाई गए 21.5, उसके बाद आधा इंच सिलाई के लिए तो 22 इंच, तो हमने 22 इंच पे निशान लगा दिया। तो हमारा आर्म होल है वो हमें 10 इंच लेना पड़ेगा, कन्नी छोड़ के 10 इंच, क्योंकि कन्नी हमने अलग करनी है। आर्म होल भी हमारी चेस्ट के हिसाब से होता है, नॉर्मल तरीका होता है जैसे हमारी चेस्ट है 40 इंच, 10 × 40, तो आर्म होल हमने 10 इंच ले लिया, 10.25 ले सकते हैं। अगर कोई ज्यादा खुला आर्म होल रखने के लिए बोल रहा है तो 10.5 ले ले, इससे ज्यादा ना ले। अगर कोई फिटिंग चाहता है तो आधा इंच कम कर ले, बस तरीका यही है। ज्यादातर काम तो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होता है सिलाई का। इसके बाद बाजू की मोहरी, बाजू की मोहरी कितनी रखनी है, जितना हमारा आर्म होल होता है, जैसे कि हमारा आर्म होल है 10 इंच, तो 10 में से 3 इंच कम, 3 इंच घटा दिया तो 7 इंच पे निशान लगाए। अगर कोई बाजू की फिटिंग चाहता है तो और आधा इंच कम कर ले। एक बार इस कन्नी को अलग कर देते हैं, ये बार बार हमें परेशान कर रही है, हम इस कन्नी को अलग कर देते हैं। हमारी कन्नी अलग हो गई है, एक बार अपने सारे निशान चेक कर ले। इसके बाद बाजू की गोलाई, गोलाई कितनी देनी होगी हमें, हमारे आर्म होल का तीसरा हिस्सा 3.25 इंच बाजू की गोलाई दे दे, 3 भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बाजू का निशान सीधा लगा ले सुपीर के साथ, अगर फिटिंग वाली बाजू है तो आप शेप वाली पट्टी से निशान लगा सकते हैं। गोलाई का निशान लगा दे या फिर बाद में लगा ले, क्योंकि गोलाई तो हमने दोनों बाजू निकाल के ही करनी है। गोलाई अब नहीं काटनी है और अपनी पैमास के हिसाब से चेक करें और कटिंग कर दे। एक बाजू की हमने कटिंग कर ली है, अब निकाल लेते हैं अपनी दूसरी बाजू। कपड़े को इस तरह से घुमा के बिछा ले, हमारी एक बाजू को इस कपड़े के ऊपर सीधी बिछा दे, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से साफ करके बिछा लें और बिल्कुल साथ साथ में कटिंग कर दे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ये हमारी दोनों बाजू कटिंग हो गई हैं और अब बाजू को डबल फोल्ड कर ले, अच्छे से चारों सिरों को अच्छे से मिला ले, क्योंकि हमारी ये दोनों बाजू हैं। फोल्ड करने के बाद गोलाई वाला निशान ये 3.75 इंच पे लगा लें और अच्छे से गोलाई कर दे, बिल्कुल अच्छे से गोलाई करें। ये हमारी गोलाई हो गई है। गोलाई करने के बाद बाजू की गोलाई में कटिंग कर दें, बिल्कुल अच्छे से गोलाई में कटिंग करें और एक सेंटर में निशान लगा दें। इसके बाद जो हमारे दो हिस्से फ्रंट में आएंगे बाजू के, उनकी कटिंग कर लेते हैं, दोनों बाजू का एक एक हिस्सा इस तरह से गोलाई में निशान लगाएं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अब हमें इन ऊपर वाले दो हिस्सों की गोलाई में कटिंग करनी है, इस तरह से चेक कर ले, नीचे वाले दो हिस्से छोड़ दे, ऊपर वाले दो हिस्से ले ले, अच्छे से चेक कर ले दो हिस्से ऊपर वाले और दो हिस्से नीचे रह गए। हमने फ्रंट वाले दो हिस्सों की कटिंग कर दी है, ये दोनों कटिंग वाले हिस्से हमारी शर्ट के सामने आएंगे, फ्रंट में आएंगे, इनको निशान लगा दे इस तरह से, आपको याद रहे ये सामने वाले हिस्से हैं। अब कर लेते हैं बाजू पट्टी की कटिंग। बाजू पट्टी की कटिंग होगी बैक साइड में, ये दो हिस्सों की कटिंग की है हमने सामने वाले की, अब दो हिस्सों में कटेगी हमारी बाजू पट्टी। बाजू पट्टी कटिंग करने के लिए
जैसे कि हमारी बाजू की मोहरी है 7 इंच, तो 3.5 इंच पे निशान लगा दे और ये निशान बैक में लगा ले, बैक वाले दो हिस्सों पे। एक बार चेक कर ले, पट्टी की कटिंग बैक वाले हिस्सों पे होगी जो हमारे बैक में आएंगे। हमने पट्टी की लंबाई है जो वो 6 इंच रखनी है, 6 पौने 6 साढ़े 5 पट्टी की लंबाई रखे और अपनी पट्टी के साथ सीधा निशान लगाए और कटिंग कर दें। ये हमारी बाजू पट्टी की कटिंग हो गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़े से अपना तीरा निकाल लेते हैं। पहले इस कपड़े को इस तरह से सीधा कटिंग कर ले। कपड़े को सीधा करने के बाद इस तरह से रखें और डबल फोल्ड कर ले। इस कपड़े को डबल फोल्ड कर ले। तीरा हमारा था 20 इंच, 20 का हाफ हुआ, 20 का आधा हुआ 10 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए 10.5 इंच फोल्ड कर ले। देखिए हमारा 10.5 इंच है, इसे इसी तरह से फोल्ड कर ले। तीरे की हमारी चौड़ाई है कि हमने चौड़ाई करनी पड़ेगी 4 इंच, क्योंकि 1 इंच मैंने वहां से बैक वाले हिस्से को घटा दिया था। ये सामने वाला निशान, दूसरा निशान तीरे का 2 इंच ऊपर लगा दे, क्योंकि मैंने 2 इंच शोल्डर शर्ट का गिराया था, तो 2 इंच ऊपर लगा दे निशान और अपनी फट्टी के साथ दोनों निशानों को मिला के निशान लगा दे। अब अपने तीरे की कटिंग कर लेते हैं जहां पर हमारा कॉलर अटैच होगा। लंबाई की तरफ लगाए 3 इंच पे निशान और जो गहराई होगी वो 2 इंच पे निशान लगा दे। फट्टी के साथ सीधा निशान लगाए और गोलाई कर ले एक बार चौक के साथ। और अब अपने तीरे की कटिंग कर दे। और ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। इस तरह से अपना तीरा कटिंग करते हैं। एक निशान सेंटर में लगा दे। ये हमारा सिंगल तीरा है, क्योंकि इस शर्ट का कपड़ा थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसका डबल तीरा नहीं निकालूंगा। बाद में देख लेंगे, कॉलर वगैरह कफ वगैरह पेस्ट होने के बाद कपड़ा बचता है तो डबल तीरा कर लेंगे, नहीं तो सिंगल तीरा। ये देखिए हमारा शोल्डर आगे की तरफ किस तरह झुकता है, इस तरह से हमारा तीरा अटैच होगा और ये हमारा ऊपर बच गया 1.25 इंच। ये हिस्सा हमारा आधा इंच आगे की तरफ आ जाता है, सिलाई में आने के बाद आधा इंच आगे आएगा, ये सिलाई में आ जाएगा, इस तरह से आधा इंच आगे आता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में आपको नया सीखने को क्या मिला कमेंट में जरूर बताएं। सिलाई के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो में सीखेंगे हम पॉकेट को कैसे तैयार करते हैं, कॉलर को कैसे कटिंग करते हैं, कैसे उसे पेस्ट करते हैं, कैसे शर्ट की पट्टी तैयार करते हैं, ये सब जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी।